ओटोएन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक और गेस्ट जो कि प्रोफेसर हैं, एनआईटी जालंधर से पीएचडी हैं, बीटेक एमटेक हैं और इन्होंने आईआईटी की भी प्रिपरेशन की थी अपने जब 12th क्लास के बाद और उसके दौरान भी। तो हमारे जो बच्चे हैं आज वो इनसे जानेंगे और सीखेंगे कि आईआईटी की तैयारी कैसे करते हैं, बीटेक में आपको जाना है तो कैसे आप करना है, क्या स्ट्रीम्स आपको लेनी चाहिए, कौन से कोर्स आपको देखने चाहिए। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर विशाल वशिष्ठ से। हेलो सर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मैं और भी इनके बारे में बता दूं, ये दुबई वगैरह में विदेशों में कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी होती हैं जिसमें विश्व के जाने माने प्रोफेसर आते हैं, वहाँ पे अपने पेपर पब्लिश करते हैं। तो जो हमारी अदर ऑडियंस है वो अकेडमिक फील्ड से है, उसके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल है। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने 2001 में 12th पास की और उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए। जी सर। तो मैंने, जैसा कि आपको पता है, कोटा हब है आईआईटी की कोचिंग वगैरह के लिए, तो मैं कोटा में गया। आप कोटा गए? कोटा गया। उससे पहले मैंने, जाने से पहले, काफ़ी कोचिंग्स के एंट्रेंस एग्जाम भी दिए, जैसे बंसल है, रेजोनेंस है। अच्छा, तो ये सारी कोचिंग जो है वो ये एंट्रेंस से एडमिशन लेती हैं? हाँ, मतलब इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे? हाँ, इतना ज़्यादा रश है कि ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसका भी एक क्राइटेरिया है कि 75% आपके एटलीस्ट 12th में होने ही चाहिए। हाँ हाँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। हाँ हाँ, तो 75-80% पहले आपके हैं तब तो आप इनके एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल हैं। हाँ, और वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो आईआईटीज के ही क्वेश्चन रहते हैं मेनली। तो आईआईटी में पहले स्क्रीनिंग, तो एक आईआईटी पहले ही हो जाता है बच्चे का। हाँ, तो मतलब आपको आइडिया उस तरह का होना चाहिए कि जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, ये आइडिया आपको 12th में ही लेके चलना पड़ेगा। या अगर आप 11th में कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th लेवल पे भी आपको उस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं। तो बच्चों को मतलब स्कूल में ही आईआईटी वगैरह के बेसिक क्वेश्चन या उस तरह के क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बच्चे को 9th क्लास से ही थोड़ा बहुत टच में आके इस तरह के, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करवाती हैं ये कोचिंग्स वगैरह, हाँ हाँ, तो वो ट्यूटोरियल्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं जी सर, या फिर किसी बच्चे से भी मिल सकते हैं जी सर। तो वो बहुत ही, मतलब उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहते हैं और नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। तो उन ट्यूटोरियल्स की हेल्प से थोड़ा थोड़ा नाइन्थ क्लास में ही जैसे बच्चे शुरू करते हैं पढ़ाई, हाँ, तो जो जो चैप्टर वो पढ़ते चले जाते हैं उसके साथ में यदि उन क्वेश्चंस को भी वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने लग जाएंगे, हाँ हाँ, तो फिर वो हैबिट में आ जाएगा और उनका माइंड उन क्वेश्चंस को पिक करने लगेगा, ट्रिकी क्वेश्चंस को, तो फिर एंट्रेंस क्रैक करना उतना टफ नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। तो मेरा सोचना ये है कि अगर बच्चा फोकस्ड है आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करने में और आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उसको 9th क्लास से ही ये सोचना शुरू कर देना चाहिए जी जी, कौन कौन सी कोचिंग्स हैं, उनका ट्यूटोरियल वगैरह। वो बाई पोस्ट मेरे हिसाब से 2000 रुपये के आसपास आ जाता है, तो उस ट्यूटोरियल को परचेज करके वो बाई पोस्ट मिल जाएगा, उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। उसको करके फिर वो सोल्ड आते हैं उसमें, तो उन सोल्ड क्वेश्चंस को पहले धीरे धीरे ट्राई करना शुरू करें। और मेरे हिसाब से TMH की, हरियंत की कुछ बुक्स भी ले आए वो, क्योंकि ये अच्छी बुक्स आती हैं, TMH की मैथ्स की बुक आती है, हरियंत की केमिस्ट्री की बुक आती हैं, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करने लगेगा वो, थोड़ा टीचर से भी उस वक्त उसको जो डाउट आएगा वो टीचर से पूछेगा, तो उससे उसका थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाद में वो डायरेक्ट कोचिंग में जाएगा, मान लो उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो वहाँ पे उसके फंडामेंटल वगैरह उतने क्लियर होंगे नहीं, वो वहाँ से शुरू करेगा, तो फिर वो उसको थोड़ा सा ग्रेस्प करने में टाइम लगेगा। तो जो और इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी बेस बना हुआ है, तो ये बेस मेरे हिसाब से 9th क्लास से ही शुरू हो जाना चाहिए बनना। ओके ओके ओके। तो ये सब करने के बाद में तो एंट्रेंस इजीली क्रैक कर लेगा। हाँ। अब वहाँ पर क्या है कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स में बंसल है। सही कोचिंग कैसे सेलेक्ट करें वो? अब सही कोचिंग सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि मार्केटिंग के हिसाब से जो आपको दिखाई देगा मार्केट में, हाँ, आप उस कोचिंग को सेलेक्ट कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एलन है, जैसे बंसल है, एलन है वो मेनली PMT वगैरह के लिए है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जो बंसल है, रेजोनेंस है, ये मेनली आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पहले वाला क्या बताया आपने? मैंने बताया पहले एलन। हाँ, एलन है मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड के लिए स्पेशलाइज्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर जैसे आप एम्स वगैरह में करना चाहते हैं, नीट वगैरह करना चाहते हैं, या नीट वगैरह आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एलन स्पेसिफिक, रेजोनेंस उसके लिए है, तो रेजोनेंस है, बंसल और बंसल क्लासेस हैं, और इस तरह की और भी बहुत सारी हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मार्केटिंग के हिसाब से जिसमें जिसकी ज्यादा की गई है उसके बारे में
आपको आइडिया रहेगा कि बंसल बहुत अच्छी है, हाँ हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सारे टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट के अच्छे मिले, हाँ 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 हाँ। हो सकते हैं तो वो आप हमारे बच्चों को दर्शकों को बता दीजिए कि नीट के लिए जाएं तो किस में जाएं और आईआईटी के लिए जाएं तो किस में जाएं। तो नीट के लिए जाने के लिए मेनली जो है वो LN वहाँ पे बेस्ट है, और अगर इंजीनियरिंग के लिए आपको जाना है तो बंसल और आईआईटी के लिए, हाँ अगर आईआईटी के लिए आपको जाना है तो बंसल है और रेजोनेंस है और कैरियर पॉइंट है, कैरियर पॉइंट है। लेकिन मैंने जो वहाँ पे कोचिंग की उसके दौरान मैंने ये एक्सपीरियंस लिया कि बहुत से बच्चे क्या करते थे, वो बच्चे इंडिविजुअल किसी कोचिंग को ना पकड़ के वो इंडिविजुअल फैकल्टी को पकड़ते थे। तो इंडिविजुअल फैकल्टी क्या करती है, वो कोचिंग में ही पढ़ाती है और बाद में अपने घर पे भी वो ट्यूशंस दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, बेस्ट टीचर्स का ग्रुप सेलेक्ट किया। जैसे यदि मैं बंसल की बात करता हूँ तो बंसल कोचिंग फेमस है बंसल की वजह से, हाँ। बंसल है मैथ्स और सबसे पहले कोटा में कल्चर भी बंसल ने शुरू किया था। हाँ, कल्चर भी बंसल ने शुरू किया। अब बंसल को मैथ्स में बहुत अच्छा है बंसल, तो यदि आप बंसल सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको मैथ्स का गाइडेंस सुपर मिलेगा। लेकिन अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए बच्चे को फिर दूसरे टीचर पकड़ने पड़ेंगे। तो हाँ, तो उसके लिए बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं कि वो बंसल के पास जाते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, और इस तरीके से उन्होंने केमिस्ट्री का जो टीचर है वो किसी रेजोनेंस कोचिंग में चला गया। तो एक्चुअली ये कोचिंग्स बनी किस तरीके से, ये सबसे पहले बंसल की, बिल्कुल बिल्कुल, फिर बंसल की जो केमिस्ट्री का अच्छा टीचर था उसने बंसल से सेपरेट होके अपनी कोचिंग खोली रेजोनेंस, इसी तरीके से करियर पॉइंट बनी हुई है। तो सारी की सारी कोचिंग्स के अंदर उन टीचर्स ने ही बनाई है, बंसल के टीचर्स ने ही मेनली बनाई है। तो आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन सी फैकल्टी जो है, कौन सा टीचर जो है वो किस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर है, उसका रिजल्ट अच्छा रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है। तो इंडिविजुअल यदि आप उसके पास में जाके वो इंडिविजुअली आपसे चार्ज करेंगे मंथली, तो आपने तीनों पकड़ ली और तीनों के पास अगर आप जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आप ज़्यादा बेटर, क्योंकि स्पेशलाइज जो कैटेगरी के टीचर्स फैकल्टीज हैं उनसे आप पढ़ रहे हो, बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो आप किसी एक कोचिंग में। एडमिशन ले लिया हमने, ले लिया मान लो बंसल में ले लिया, अब मुझे कैरियर पॉइंट के टीचर से पढ़ना है केमिस्ट्री, तो उसके लिए फिर वो उनको कहाँ पकड़ूँ, घर पे जाके? तो उसके लिए आपको फैकल्टी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको कोचिंग के अलावा पढ़ाएंगे, तो वो घर पे, हाँ घर पे पढ़ाएंगे, वहाँ फीस अलग लेंगे, घर की फीस अलग लेंगे। लेकिन अब उसमें क्या है कि अगर आप बंसल में पढ़ रहे हो तो बंसल में आप 5 से 6 घंटे एक दिन में पढ़ोगे, अब उसके बाद में आप इतने फेड अप एग्जॉस्टेड हो जाओगे कि हाँ। क्या आप वहाँ पे ही पढ़ पाओगे? हाँ। तो क्या आप लगातार 7-8 घंटे तक, क्योंकि फिर सेल्फ स्टडी का टाइम आपको कब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम नहीं बचेगा। तो इसके लिए बेटर ये है आप 2 घंटे मैथ्स की बेस्ट फैकल्टी के पास पढ़े, 2 घंटे केमिस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी के पास, 2 घंटे फिजिक्स की, तो 6 घंटे आपने पढ़नी है, अब बाकी टाइम आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए। तो फीस तीनों जगह देनी पड़ेगी। और अब आप इससे देखो कि आप फीस 3 जगह दे रहे हो, लेकिन जो वो फीस दे रहे हो आप वो मंथली फीस दे रहे हो, वो आप एक कोचिंग में जो फीस दे रहे हो उससे कम ही पड़ेगी उसके बावजूद। अच्छा, अच्छा अच्छा, क्योंकि कोचिंग तो आपको पूरा पैकेज के साथ लेगा, पूरा पैकेज के साथ। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, आपने बोला कि जाके बढ़िया टीचर सेलेक्ट कर लो और उनसे पढ़ो घर पे, कोचिंग में एडमिशन मत लो। कोचिंग में एडमिशन लेने से अच्छा है पहले थोड़ा सर्वे करो, सर्वे करने से आपको बेस्ट टीचर्स पता लग जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये सारी कोचिंग्स आसपास है नहीं है भाई, एक एरिया में 2-3 किलोमीटर के एरिया में सारी कोचिंग्स हैं। हाँ हाँ हाँ। LN, कैरियर पॉइंट और बंसल, रेजोनेंस, ये सब वहीं आसपास में है। तो यहाँ से आप पहले वहाँ पे जाके थोड़ा सर्वे करोगे तो आपको ये पता लग जाएंगे कि बेस्ट टीचर्स कौन से हैं। ओके ओके। और फिर उन टीचर्स के पास जाके आप ज्वाइन, उनके बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओ, ये मुझे आज ही पता चला और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक कोचिंग में करोगे तो कोचिंग में आप पे भी वो एडवांस में कर लेंगे आपसे 50-70% पे करने के बाद अब आपको पता लगेगा कि अरे यहाँ तो मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, यहाँ तो मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप बंद गए, उतना पैसा दे दिया आपने, क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास के फैमिली से वहाँ पे बच्चे जाते हैं, मिडिल क्लास ही ज़्यादा जाता है वहाँ पे कोटा के अंदर। तो इतना एक ह्यूज अमाउंट देने के बाद में आप सोचोगे चलो अभी मैं एक बार कर लेता हूँ कोचिंग के साथ में, बाद में देखूंगा, लेकिन वो बाद में देखने में डिले हो जाता है, रिजल्ट भी फिर उस लेवल का आता नहीं है जो जिस सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई हो रही है, प्रेशर आ जाता है बच्चे पे, जिस सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई हो रही है उसमें तो आउटपुट आपका आ गया, लेकिन बाकी डिप्रेशन टेंशन में आ जाएगा, वो सब्जेक्ट भी भूल जाएगा। हाँ, अगर टेंशन में आ गया मेरा अच्छा नहीं चल रहा तो उधर कैसे फोकस करें? हाँ, तो पता लगा उसका इंपैक्ट उस पे भी आ गया। हाँ हाँ। तो ये थोड़ा सा आपको अगर सर्वे करके कर पाओगे तो मेरे साथ। तो इसके बाद एक सवाल और, ये तो आपने IIT का बता दिया कोटा का, फिर आप मुझे ये भी बताइए कि आपका अनुभव कोटा में कैसा रहा और आपकी कोटा की स्टूडेंट लाइफ कैसी रही? कोटा की स्टूडेंट लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। हेक्टिक है। हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं
मोस्टली हैं वो अपने रूम्स में ही रहते हैं। अच्छा। सिर्फ कोचिंग गए, कोचिंग से आ गए रूम्स में, और रूम से फिर बाद में रूम्स में वहीं खाना आ जाता है, उनका टिफ़िन खा लिया, और उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है। तो इससे कभी कभी वो स्टूडेंट्स क्या है, वो कोशिश करते हैं कि हम रिज़ल्ट बहुत अच्छा करें, लेकिन जब वो इस तरह का माहौल बना लेते हैं, बिल्कुल भी किसी से इंटरेक्शन वगैरह नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें रिवर्स चली जाती हैं, और रिवर्स जाने में कई बार कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इस वजह से, क्योंकि आपका जो माइंड है उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। बहुत से बच्चे रात भर पढ़ते रहते हैं, रात को पढ़ते हैं, दिन में वो 2-3 घंटे सिर्फ सोते हैं, या सिर्फ 2-3 घंटे ही रात को पढ़ते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे ही बैड इफेक्ट डालेगा, एज वेल एज जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा रिजल्ट आने की उम्मीद कम हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप मान लो 6 घंटे आप पढ़ने गए, तो 6 घंटे पढ़ने के बाद फिर आके आप 1-2 घंटे पहले रेस्ट करो, फिर उसके बाद में आप 2 घंटे पढ़ो, फिर आप थोड़ा रेस्ट दो, आप बाहर थोड़ा सा घूमने जाओ 1-2 घंटा, और आप टाइम से सो, सुबह जल्दी उठ जाओ 5 बजे, लेकिन सोने का फिर टाइम आपका 11 o'clock 12 o'clock होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 3 o'clock तक पढ़ रहे हो और सुबह अगर आपको आपको कोचिंग जाना ही है तो आप 6 बजे फिर उठ गए। तो ये बैलेंस स्लीप जरूरी है। हाँ, तो बैलेंस लाइफ वहाँ पे जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया वो स्टूडेंट्स की नहीं है, इस वजह से वो बार बार अटेम्प्ट करते रहते हैं, तो उनको तो ये लग रहा है सर्कल में फंस जाते हैं। हाँ, उनको ये लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी रह गए, नेक्स्ट टाइम फिर हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम फिर से वही रूटीन फॉलो करते हैं, बल्कि अपने रूटीन को और ज़्यादा हेक्टिक कर लेते हैं, और सोना और कम कर देते हैं, तो फिर रिजल्ट जो उनको लग रहा था कि बढ़ना चाहिए वो बढ़ने की बजाय पता लगा और कम हो जाता है। फिर इसका एक एंगल निकल के आता है, कोटा में सुसाइड बहुत होते हैं। हाँ, या आप ये खुद देख रहे हो कि न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ आती रहती है, बहुत बड़ा टॉपिक है इंडिया में। हाँ, इस पे मूवीज भी बनी है, कोटा फैक्ट्री, अभी नेटफ्लिक्स पे एक आई है द रैंक, इस तरह से कुछ आई है, तो इसकी वजह ऑल इंडिया रैंक, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं वहाँ के माहौल को मानता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट जो है वो उतना मैच्योर होता नहीं है, जस्ट 12th पास करके गया है, तो उसको जिस तरीके से कहा जाता है, आसपास का माहौल मिलता है, वो उसमें ऐसा ढलने की कोशिश करता है, तो मोस्टली अगर इस तरह के हैं तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए अगर स्टूडेंट्स की केयर टेकिंग बीच बीच में काउंसलिंग जरूरी है। हाँ, काउंसलिंग भी बीच बीच में जरूरी है स्टूडेंट्स की, ताकि इस तरह के केसेस ना हो, क्योंकि ये है कि चलो आपने अटेम्प्ट किया, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन अब होना नहीं होना, क्योंकि सीटें काफ़ी लिमिटेड हैं और वहाँ पे बल्क है, तो इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आप अगर बेस्ट टीचर से भी पढ़ रहे हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप एम्स के लिए जा रहे हो तो एम्स में 27 सीट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब 27 सीट्स के लिए 27 लैक्स एटलीस्ट फाइट कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, सब चाह रहे हैं एम्स में जाएं, तो आप देख लो कि 0.01% है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी मेडिकल सीट्स बढ़ाई हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज का कल्चर है, अभी यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी एक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज 150 सीट का बना है, लेकिन क्या जरूरी है, मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या IIT में जाना जरूरी है, क्या कोटा जाना जरूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जाना जरूरी नहीं है, नहीं है जाना जरूरी नहीं है, यदि आपका टारगेट है IIT से BTech करना, हाँ हाँ, या फिर मेडिकल कॉलेज से BTech करना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, अच्छे मेडिकल कॉलेज से अगर आपको BTech करना, गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा ये भी फीस कम लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज के फायदे ये फीस कम लगती है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो अगर वो आपका टारगेट है, तो अगर आप 9th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेना उस चीज़ के लिए शुरू कर देते हो, मेहनत शुरू कर दे, हाँ, है ना, थोड़ा सा आप हार्ड वर्क ज़्यादा करना शुरू कर दो, आप सिर्फ NCERT तक ही फोकस ना रहो, सिर्फ बुक्स तक फोकस ना रहो, और भी थोड़े टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट कर दो, अगर 9th क्लास से, इवन मैं तो कहता हूँ अगर 8th क्लास से भी आप थोड़ा कुछ टच कर दो, तो वो बेनिफिशियल है, वो आपकी रूटीन में आ जाएगा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से जो मोस्टली टॉपर्स हैं, यदि आप उनके बारे में जानोगे, तो वो ये कहते हैं कि हम रेगुलर स्टडी करते थे 5-6 घंटे, तो 5-6 घंटे यदि आप स्टडी कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली 24 घंटे में ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5-6 घंटे, अब अगर यही वो चीज़ अगर आप 5-6 घंटे के बजाय दो घंटे भी यदि एक्स्ट्रा देके 8th क्लास से अगर आप वो चीज़ शुरू कर देते हो, और आपको प्रॉपर वे में सॉल्यूशंस दिए जाएँ, आपको गाइडेंस दिया जाए, तो मुझे लगता है कि चीज़ें और बेटर वे में होंगी, आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और हमारे एक सर हैं तरुण सर, बायोलॉजी के, ओपन डिजिटल एजुकेशन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो बच्चों को 100 रुपये महीना में 6-12th क्लास की कोचिंग
और जल्दी हम एक ऑफलाइन आईआईटी नीट का सेंटर भी गौतम बुद्ध नगर में लेके आने वाले हैं, जो अफोर्डेबल फीस पे और अच्छी काउंसलिंग के साथ बच्चों के लिए हो। फिर भी मैं मानता हूँ कि आईआईटी और नीट कंपलसरी नहीं है बच्चे के लिए, करियर और बहुत हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझे बताया, तरुण सर जो बायोलॉजी के हैं, कि दो लड़कियाँ उनके गाइडेंस में, उन्होंने गाइडेंस दिया, वो उनसे क्वेरी करती थी, नीट की तैयारी कर रही थी। एक लड़की तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में है, एक लड़की सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में है। उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं करी, घर पे ही तैयारी करी और घर पे ही पढ़ाई करी, मेहनत करी, ट्यूटोरियल्स वगैरह जैसे भी उन्होंने करा ऑनलाइन करा, आजकल ऑनलाइन का एक बहुत अच्छा मीडियम है। तो वो बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हो गए और कुछ बच्चे कोटा जा रहे हैं, वहाँ भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये एक जो आप सही बोल रहे हो कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका टाइम टेबल कैसा है, आप कब से तैयारी करो, इन चीज़ों का बहुत रोल है। बट इसमें मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चों को कोशिश भी करनी चाहिए, अगर वो 9th, 10th, 11th, 12th में हैं तो तैयारी की मैं तैयारी कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो अच्छा है। और ज़्यादा कुछ उतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, आप डेली 1 to 2 hours दो आप एडिशनल के लिए, 1 to 2 hours आप एडिशनल के लिए, जहाँ पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़ी सी मतलब कि जिनमें थोड़ा माइंड लगता है, थोड़ा सा लेवल अप करके शुरुआत करो आप। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। 8th क्लास से आप थोड़ा सा है ना, तो आप प्रॉब्लम आती है आप टीचर से पूछो, ऑनलाइन भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स में भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, एटलीस्ट आपको अवेयर होने की तो जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 10th के बाद स्टार्ट करते हो, 10th के बाद आपको लगता है आईआईटी में जाना, तो मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा जब 8th या वो 9th में होता है तभी से उनको काउंसलिंग की जरूरत है। यदि आपका मोटो वो है तो उसके लिए आप यहीं से स्टार्ट करो, थोड़ा सा उनको जो ऑलरेडी आईआईटीज कर चुके हैं उनसे मिलवाया जाए, जो आईआईटी बीटेक कर रहे हैं उसके बाद जो करियर बना चुके हैं, कुछ आईएम में है, इवन वो आईआईटी के बाद में आईएम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो कैट का एग्जाम वगैरह है, प्लस पॉइंट हो जाता है वो, तो वो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो उस तरह का थोड़ा अगर माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा तो बच्चे अपने आप मोटिवेट होंगे और वो स्कूल लेवल में वैसा करते हुए ना सिर्फ आईआईटी में करेंगे, वो बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा देंगे, ऑब्वियसली वो अपने आप आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके लिए काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, काउंसलिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी हैं, आपका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो हमारा ये अच्छा फोकस जो इस तरह के सेशंस का है वो यही फोकस है। मुझे जो लगता है बच्चों के लिए ट्यूशन की कमी नहीं है, बच्चों के लिए काउंसलिंग की कमी है। एक बच्चा जो 80% ला रहा है वो भी भेड़ जाल में जा रहा है, एक बच्चा जो 60% ला रहा है वो भी उसी रास्ते पे जा रहा है। मैं तो मान रहा हूँ कि 80% 90% लाने वाले बच्चे 10th 12th में क्लर्क बन रहे हैं। तो उनको अगर प्रॉपर माइंडसेट काउंसलिंग उनको मिले तो वो अच्छी जगह जाएं, एक अच्छा रास्ता उन्हें मिले। तो रूरल एरिया की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, शहरों में तो फिर भी काउंसलिंग है, माँ बाप अवेयर है। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है वो मेनली रूरल फोकस्ड है, अभी स्टार्ट में तो हमारा पूरा टोटली फोकस रूरल एरिया पे है कि रूरल एरिया के बच्चों को अच्छी काउंसलिंग मिले, गाइडेंस मिले, वो जज से मिले, वो आईपीएस से मिले, वो अधिकारियों से मिले, आईआईटीएन से मिले, प्रोफेसर से मिले, डॉक्टर से मिले और उनसे पूछें कि आप कैसे बने, मिलें, सवाल पूछें। तो ये चीज़ हम इसके पीछे, तो आज आपके सेशन के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। तो इसमें आप और क्या बच्चों को नॉलेज और संदेश देना चाहते हैं वो हमें बताइए। इसमें मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें और मैथ्स से रिलेटेड जितने भी करियर ओरिएंटेड फील्ड्स हैं उन फील्ड्स की तरफ देखें, क्योंकि कोई कमी नहीं है फील्ड्स। आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे हैं। मैथ्स में आज डाटा साइंटिस्ट की बहुत शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड डाटा साइंटिस्ट का बहुत जबरदस्त पैकेज है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन 40-50 लाख से शुरुआत होती है, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो डाटा साइंटिस्ट तो आज स्टेट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर अब ये सारी चीज़ें काउंसलिंग हो प्रॉपर, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस तरीके से आप, क्योंकि रियलिटी पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बच्चे के अंदर से जानना कि ये बच्चा किस लायक है, ये बच्चा किस लायक है, ये बच्चा का इंटरेस्ट क्या है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जैसा आपका है, इससे यदि आप इंटरव्यूज ले रहे हैं सभी फील्ड के, तो बच्चे को जान के उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, उसको रियलिटी में पता लगेगा। एक्चुअली बच्चों को पता ही नहीं होता है, बच्चों को बस ये लगता है हमें आईआईटी जेई क्रैक करना है। लेकिन आईआईटी जेई क्रैक करने के पीछे आप 4-5 अटेम्प्ट अगर कोटा जाके लगा दो तो वो आपने 5 साल स्पॉइल कर दिए अपनी लाइफ के। हो सकता था आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई आई टी जेई ना करके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम कर पाते, किसी अच्छे कॉलेज में जाके आज आप
किसी अच्छी कंपनी में आपको पैकेज मिल रहा होता जैसा आप सोच रहे हो वैसा, तो और 5 साल बर्बाद नहीं होते, तो वो 5 साल बर्बाद नहीं होते अगर आपको तरीके से ये चीज़ पता होती। तो एक ही चीज़ के पीछे लगातार भागना भी कई बार नुकसान, लिमिटेड समय तक भागना चाहिए। तो वो आपको वो सारा नॉलेज थोड़ा लेना ज़रूरी है, तो उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे में, और अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हुए करियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए। कोटा में तो मोस्टली जो बच्चे हैं 12th क्लास में बच्चे कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है, बिल्कुल, वो मोस्टली बच्चे तो माँ बाप के सपना पूरा करने ही जाते हैं। हाँ, माँ बाप फीस तो माँ बाप दे रहे हैं, लॉजिकल तो देखो अहम कोई चीज़ है, मुझे पसंद है, अभी मैं एक एज में आ गया, आप एक एज में आ गए, तो आप वहीं पैसा देंगे जो आपको पसंद है, बिल्कुल वहीं तो पैसा देंगे, और रेस्टोरेंट में जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो माँ बाप का पैसा है, माँ बाप वहाँ 1 लाख रुपए वहीं तो देंगे जहाँ उनको पसंद है कि मेरा बच्चा यहाँ जाए, कोटा में इंजीनियरिंग बने, एक सपना है। फिर भी माँ बाप को, बहुत से अच्छे माँ बाप जिम्मेदार भी होते हैं कि चलो बेटे का इंटरेस्ट है या बेटी का इंटरेस्ट है, चलो करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, और वहाँ छोड़ के आ जाते हैं उसको, और छोड़ के आने के बाद यही मूवीज़ में दिखाया जाता है, वहाँ परेशान है, स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, और फिर लास्ट में मैसेज आता है कि सुसाइड हो गया। एक्चुअली कंसर्न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स को भी सही से पता नहीं है, हाँ, उनकी भी काउंसलिंग करने की जरूरत है। ये जो आपने पॉइंट बोला ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। आज जमाना सिर्फ पढ़ने का नहीं रह गया है, हाँ, आज जमाना स्किल ओरिएंटेड बन गया है। अगर अगर आप फोकस्ड हैं किसी चीज को लेके, स्पेसिफिकली यदि आपको एक सॉफ्टवेयर में ही आपकी मास्टरी है, वर्ल्ड वाइड आपके लिए ऑफर अवेलेबल है, किसी एक सॉफ्टवेयर पे आपकी एक्सपर्टाइज है, आपको 50 चीज़ें पता हैं लेकिन अच्छे से एक भी चीज़ पता नहीं है, तो 50 चीज़ें पता होने का कोई मतलब नहीं बनता। आपका मैं कहता हूँ अगर IIT में सिलेक्शन भी हो गया लेकिन अगर आपने स्किल्स IIT में भी अटेंड नहीं की तो आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलने वाला है। ऐसे बहुत हैं, 22% स्टूडेंट है जिनका प्लेसमेंट ही नहीं होता, जिसका प्लेसमेंट नहीं होता। आज आप न्यूज में देखो IIT के 22%, आज इस बार जो आप देखोगे तो IIT बॉम्बे का अंदर भी प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, 30% अनएम्प्लॉयड रह गए हैं, उनका ऑन कैंपस होने से रह गया। बिल्कुल, उसकी वजह क्या, स्किल्स नहीं है, जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उस तरह का उनके अंदर नहीं है, तभी तो उन्होंने नहीं लिया। IIT क्रैक करना एक अलग बात है, कॉलेज में जाके मेहनत से पढ़ाई करना एक अलग बात है, एक अलग बात है। तो अगर आपने वो क्रैक कर भी लिया तो अगर स्किल्स ओरिएंटेड अगर आप शुरू से ही सोचने लग जाओ, अगर आपको 9th क्लास में ही आपसे आपकी काउंसलिंग प्रॉपर वे में हो पाए और आपको ये पता लग जाए कि मेरा फाइनली टारगेट ये है, मुझे मेरा इंटरेस्ट ये है, मुझे करियर इसमें बनाना है, तो आप 9th से शुरू कर रहे हो, और अगर मान लो उस वक्त आपने वो काम नहीं किया, आपके साथ आपकी काउंसलिंग नहीं हुई और आप जैसा सभी लोग कर रहे हैं उसी तरह किया, तो आप वो काम को 10 साल बाद करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि चीज़ें जब आप उस फेज से गुजर जाते हो तो आपको पता लगती है। तो बच्चे को ये चीज़ अगर पहले पता लग जाए, क्योंकि सभी हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल है, करना है तो वो कि उसको एक्सप्लोर किस तरीके से करना है। वो एक इंटरेस्ट होता है बच्चे का भी, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बना, IIT क्रैक हो गया और BTech में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं बना, नहीं। ब्रांच उसने गलत ले ली, ये भी आगे टॉपिक आते हैं। बिल्कुल, IIT के बाद नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, ब्रांच मैकेनिकल लेनी है, सिविल लेनी है, कंप्यूटर लेनी है। जनरली मैंने ऐसा भी देखा है कि हो सकता है IIT में कंप्यूटर ना मिला हो, DTU में मिल गया हो, तो DTU वाला बंदा बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, क्योंकि CS का फील्ड चल रहा है, इंटरेस्ट भी था, फील्ड चल रहा है, जॉब CS में ज़्यादा है, आप तो इस पे बता भी सकते हो, मैं तो CS फील्ड से हूँ, आप मैकेनिकल फील्ड से हैं, तो इस समय मैकेनिकल फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ कम है और CS में ज़्यादा है, तो ये ब्रांच सेलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मेंटरिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, फिर अपना इंटरेस्ट भी है। वही तो, फिर ये ना बैलेंस करने की जरूरत है चीजों को लेते हुए, लेकिन आज अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। जैसे अब हम बच्चों को टीच करते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, वो सेकेंड ईयर में हम अगर उनसे पूछते हैं आपने CS क्यों ली, उनको पता ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग ली है तो उसके लिए आप फोकस्ड हो, आपको पता होना चाहिए कि CS में कंप्यूटर साइंस में मुझे किस में इंटरेस्ट है, क्या आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है या आपको आपको लैंग्वेजेस पे काम करना अच्छा लगता है। हाँ, तो CS का मैं बता सकता हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस से करी, प्रोग्रामिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे प्रोग्रामिंग सो समझ आती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जाना है। मैं फिर MTech मैंने किया, मैं प्रोफेसर बना, आपने MTech किया, PhD की, और फिर उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया,
तो कंप्यूटर साइंस आपको, और फिर एजुकेशन का जो मायना है वो मैं मानता हूँ वो नौकरी लेने के लिए नहीं है, एजुकेशन का मायना है एक व्यक्तित्व डेवलप करना, एक इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व जो समाज में जाके सर्वाइव कर सके, एजुकेशन का तो यही मीनिंग है। स्किल्स तो आपको सीखनी पड़ेंगी और आप मेहनत करते रहोगे तो सीख भी जाओगे। और सबसे बड़ी बात कि एज ए इंडियन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देश की प्रॉब्लम्स को दूर करो, आप रिसर्च में पार्टिसिपेट करो। तो ये अगर आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप बहुत अच्छा करोगे, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में भी, कंट्री की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ को बात करते हुए फिर यहाँ पे एंड करते हैं। कोटा के बारे में आपने चीज़ें सुनी और कोटा में क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, उसके अलावा लास्ट में आप बता भी सकते हैं कि कोटा जैसे इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी हैं, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, तो ऐसा कोई रस की भी जरूरत नहीं है कि कोटा ही भागना है। बिल्कुल सही बात है। एक एनवायरनमेंट वहाँ पे कह सकते हैं जो हो सकता है एनवायरनमेंट हो, बट एनवायरनमेंट घर से अच्छा तो कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए। ये भी बात सही है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। यदि आप रेगुलर वे में 2-3 घंटे पढ़ते हैं और अगर वो आप 8th-9th से शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको कोचिंग की जरूरत भी पड़ेगी। आपका लेवल अपने आप ऐसे बच्चे एग्जांपल हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखोगे विलेजेस में बहुत सारे बच्चे जिनको फैसिलिटीज ही नहीं है, इवन बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और वो बिना कोचिंग के वो क्रैक करते हैं और अच्छी रैंक के साथ क्रैक करते हैं। ये भी अच्छी बात है। तो आप घर से भी बिना कोचिंग के भी IIT क्रैक कर सकते हैं, और IIT क्रैक भी नहीं हो रहा तो और बहुत आपके पास ऑप्शन है, और आप जाएं तो सावधानी से समझ के जाएं, रेगुलर काउंसलिंग लें, और माँ बाप की भी काउंसलिंग इसमें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।